साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको ओपन इंटरेस्ट के आधार पर ऑप्शन में शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाना बताऊंगा और इस शॉर्ट स्ट्रैंगल में 90% आपको प्रॉफिट के चांस रहेंगे और 10% इसमें मिनिमम लॉस के चांसेस रहते हैं, जो कि ओपन इंटरेस्ट के आधार पर शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाना शायद ही किसी ने आपको पहले कभी सिखाया हो। मैं आज आपको मेरे वीडियो में सिखाने वाला हूँ, आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। तो आज सबसे पहले मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि आप NSE की वेबसाइट पर जाकर के ओपन इंटरेस्ट के आधार पर NSE वेबसाइट पर जाना और ओपन इंटरेस्ट के आधार पर आप कैसे स्ट्राइक प्राइस का चयन करेंगे कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस की कॉल पुट तो आपको बेचनी है। इसमें खरीदने का मामला नहीं होता, शॉर्ट स्ट्रैंगल में क्या होता है, आप कॉल पुट को बेचते हैं। तो एक तो ओपन इंटरेस्ट के आधार पर हम स्ट्राइक प्राइस का चयन करेंगे और एक ओपन इंटरेस्ट के आधार पर हम एक्सपायरी का चयन करेंगे। और ये हमेशा याद रखना कि ये शॉर्ट स्ट्रैंगल हम इंट्राडे के लिए ही बनाएंगे और इंट्राडे के फर्स्ट हाफ आवर में ही ये सारी प्रोसेस कर लेनी है। अभी आपको NSE की वेबसाइट पे जाके इंट्राडे में जब आप मार्केट खुल जाए उसके पहले आधे घंटे में ही आपको ओपन इंटरेस्ट के आधार पे देख लेना है कि कौन सी स्ट्राइक प्राइस हमें चूज करनी है, कौन सी एक्सपायरी की चूज करनी है। तो वो आपको पहले आधे घंटे में ही आपको देख लेना है इंट्राडे के लिए, उसके बाद आपको उसके अंदर शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाना है। तो चलिए मैं आपको ज़्यादा देर न करके प्रैक्टिकल में NSE की वेबसाइट पर सिखा देता हूँ। अपने ब्राउजर में nseindia.com खोल लीजिए और ये NSE इंडाइसेस के बाद आप देखिए इक्विटीज दिखा हुआ है। इक्विटीज के बाद यहाँ जो डेरिवेटिव्स दिखा हुआ है डेरिवेटिव्स पे आप क्लिक कर दीजिए। डेरिवेटिव्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा आएगा और ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आपको इक्विटी डेरिवेटिव्स पे जाना है। इक्विटी डेरिवेटिव्स पे आप देख सकते हैं पहला कॉलम इंस्ट्रूमेंट टाइप, फिर सिंबल है उसका, फिर एक्सपायरी डेट का कॉलम है, फिर किस टाइप का एक जो डेरिवेटिव है कॉल है या पुट है उसके बारे में दिया हुआ है, क्या उसका स्ट्राइक प्राइस है दिया हुआ है, उसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कितना है, उसका परसेंटेज चेंजेस कितना है, वॉल्यूम कितना है, वैल्यू कितनी है, ये सब दिया हुआ है। हमें सबसे ज्यादा मतलब नहीं है, हमें ओपन इंटरेस्ट से मतलब है। यहाँ देखिए ओपन इंटरेस्ट दिया हुआ है, इसके ऊपर ही आप दो ओपन इंटरेस्ट के पास में दो तीर के निशान देख सकते हैं, एक का मुंह ऐसे ऊपर की तरफ है, दूसरा तीर जो है नीचे की तरफ है। तो आप पहले ऊपर वाले तीर पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सबसे कम ओपन इंटरेस्ट वाला इंडेक्स ऑप्शन बैंक निफ्टी की जो कॉल है 46,900 की, वो सबसे ऊपर आ गई है। और हमें क्या देखना है, हमें सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट वाला देखना है, तो हमें ऊपर के वाले तीर पे क्लिक न करके इस नीचे वाले तीर पे क्लिक करना होता है। तो नीचे वाले तीर पे क्लिक करेंगे तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट वाली बैंक निफ्टी की 13 दिसंबर 2023 की एक्सपायरी की पुट है, 47,000 की पुट सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट वाली है। तो इसको हमें कागज पे नोट कर लेना है कि 13 दिसंबर 2023 की पुट 47,000 की स्ट्राइक प्राइस की सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट वाली चल रही है। और इसी के अंदर कॉल देखें तो यदि कॉल ऊपर हो तो आप नीचे की तरफ जाके पुट ढूंढना। अब इसमें हम यदि कॉल ढूंढते हैं तो बैंक निफ्टी की कॉल जो है 47,500 की बैंक निफ्टी की कॉल सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट वाली चल रही है, ये हमें नोट कर लेना है। और निफ्टी में भी आप इसी प्रकार देखना चाहें तो एक बार ओपन इंटरेस्ट के अनुसार हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। देखो आप या फिर समझ लो ओपन इंटरेस्ट के पास में जो तीर बने हुए हैं इस पे यदि ऊपर की तरफ तीर करते हैं तो सबसे कम ओपन इंटरेस्ट वाला सबसे पहले आ जाता है, फिर उससे ज्यादा वाला, फिर उससे ज्यादा वाला। लेकिन इसको नीचे की तरफ तीर को यदि क्लिक करते हैं तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट वाला सबसे ऊपर आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट, फिर उससे कम बड़ा, फिर उससे कम बड़ा, फिर उससे कम बड़ा। तो आपने ये जो पुट और कॉल सिलेक्ट की सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट वाली, दोनों में ये ध्यान रखना दोनों की स्ट्राइक पर जो एक्सपायरी डेट है वो एक ही होनी चाहिए, दोनों 13 दिसंबर 2023 एक्सपायरी डेट की है तो सही है। यदि एक्सपायरी डेट अलग अलग हो तो आपको सेम एक्सपायरी डेट की इस तरह से सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट वाली कॉल और पुट को चयन करना है। निफ्टी में यदि आप देखते हैं तो निफ्टी के अंदर 14 दिसंबर की एक्सपायरी वाली ये जो कॉल है 21,000 के स्ट्राइक प्राइस वाली, ये सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट वाली है। और पुट के अंदर 20,900 की जो पुट है वो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट वाली है। तो इस प्रकार से इनको सिलेक्ट करके आप एक कागज पे नोट करके छोड़ लीजिए, फिर मैं आगे सिखाता हूं कि इसको किस प्रकार से करना है। तो ये वीडियो मैं आपको सिखाने के लिए संडे को रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप ये मत सोचना कि ये मैंने मार्केट के पहले आधे घंटे में रिकॉर्ड किया है, क्योंकि ये कोई लाइव ट्रेडिंग एग्जांपल नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको सिखाने के लिए इसको रविवार को रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो रविवार को आज अभी 10 दिसंबर 2023 है और ये 8 दिसंबर 2023 के बंद किए समय का ओपन इंटरेस्ट के आधार पे हमने कॉल पुट का इसके अंदर चयन किया है। और हमने बैंक निफ्टी की सबसे पहले बात करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दो में ही हमने कॉल पुट का चयन किया। आपको हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग में शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाना चाहिए, वो इंडेक्स के अंदर बनाना चाहिए। आपने मेरी किताब साइकोलॉजी ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग पढ़ी होगी, उसमें मैंने आपको सिखाया था कि इंडेक्स में क्यों बनाना चाहिए। जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए मैं किताब का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, बाद में वीडियो देखने के बाद में आप पढ़ लेना। तो
हमने एक तो क्या देखा, एक्सपायरी इसकी 13 दिसंबर 2023 की लेनी है। आज रविवार है, 10 दिसंबर 2023 को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 11 दिसंबर 2023 को मार्केट खुलेगा। और शॉर्ट स्ट्रेंगल हम हमेशा इंट्राडे में बनाते हैं, तो आपको 11 दिसंबर को पहले आधे घंटे में एक बार फिर से इसी प्रक्रिया से, इसी विधि से ओपन इंटरेस्ट को एक बार फिर से चेक कर लेना है। उसके अंदर यही यदि पुट और कॉल के स्तर रहते हैं तो यही लेने, नहीं तो दूसरे कोई रहते हैं तो उन दूसरे कोई कॉल पुट के स्तर को आपको चयन करना है। आपको समझाने के लिए हमने देखा कि 13 दिसंबर 2023 की एक्सपायरी की बैंक निफ्टी के हमने पुट जो चयन की, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट वाली पुट हमने 47,000 की स्ट्राइक प्राइस की चयन की, कि 47,000 की स्ट्राइक प्राइस ऐसी है आपने प्रैक्टिकल में देखा जिसमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट चल रहा है। और कॉल जो हमने चयन की वो 47,500 के स्ट्राइक प्राइस की चयन की, कि 47,500 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऐसी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट चल रहा है। और अभी बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस क्या चल रहा है ये आइए हम देख लेते हैं। तो आपको मैं अभी दिखा देता हूं कि वर्तमान में निफ्टी बैंक कितना चल रहा है। 47,262 पे निफ्टी बैंक चल रहा था जिस समय हमने ये ओपन इंटरेस्ट नोट किए थे, उस समय निफ्टी बैंक 47,262 पे चल रहा था। तो हमने क्या देखा अभी कि 47,262 का इसका सपोर्ट प्राइस चल रहा है, बैंक निफ्टी का सपोर्ट प्राइस 47,262 का चल रहा है। जब भी आप इंट्राडे के लिए करें, मार्केट के पहले आधे घंटे में करें, उस समय का जो भी सपोर्ट प्राइस है आप एक बार नोट कर लेना। तो अब आपको इसका मैं थ्योरेटिकल भाग समझाता हूँ कि इसके पीछे क्या सिद्धांत है, लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक समझाऊँ। देखो, मेरे कोई भी वीडियो हवा में नहीं होते, मेरा कोई भी सिस्टम है वो हवा में नहीं होता, हर सिस्टम के पीछे एक लॉजिक होता है। तो इसके पीछे का आपको लॉजिक समझाता हूँ कि 47,000 की पुट के अंदर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, यानी सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं ऑप्शन के, वो 47,000 के स्ट्राइक प्राइस की पुट में बने हुए हैं। और पुट के अंदर दो प्रकार के लोग हैं, एक तो पुट जो है सेलर है, पुट को बेचने वाला है, एक जना पुट बेचता है, दूसरा जना इसको पुट को खरीदता है, पुट का बायर है। एक जना पुट को बेचता है, एक जना पुट को खरीदता है। ओपन इंटरेस्ट के अंदर दोनों शामिल होते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट का जब ट्रेड होता है तो एक बेचने वाला होता है और एक खरीदने वाला होता है। तो अब हमें इनकी मानसिकता को देखना है, लॉजिक में क्या है, बायर की मानसिकता क्या है, खरीदने वाले की मानसिकता, उसने पुट को क्यों खरीदा है। उसने पुट को ये सोच के खरीदा है कि अभी बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, 47,262 तक आ गया, तो मैं यदि 47,000 की पुट खरीद लूँगा तो ये बैंक निफ्टी गिरने वाला है। बायर की मानसिकता क्या है कि बैंक निफ्टी गिरेगा, ज़्यादातर बायर्स जो हैं उनकी मानसिकता क्या है कि बैंक निफ्टी गिरेगा, ये 47,000 के नीचे जाएगा, तो मैंने पुट खरीद रखी है, इसलिए जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे वैसे मुझे फ़ायदा होगा। और सेलर की मानसिकता क्या है, सेलर की मानसिकता ये है कि ये 47,000 से नीचे नहीं गिरने वाला, सेलर की मानसिकता ये, तभी तो उसने बेची है। अब ये बायर सेलर में ऑप्शन में हमेशा सेलर ज़्यादा स्मार्ट होता है, बायर तो मेरे जैसा गरीब आदमी होता है और सेलर आपके जैसा अमीर आदमी होता है, तो गरीब आदमी को मूर्ख बना के उसके पैसे को ऑप्शन के अंदर लिया जाता है। ऑप्शन मार्केट की संरचना इस प्रकार से हुई है कि कम पैसे वाले की जेब से पैसा निकल के ज़्यादा पैसे वाले की जेब में आ जाए, ऐसे ऑप्शन मार्केट की संरचना हुई है। तो बायर की जो थिंकिंग है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन सेलर की थिंकिंग के साथ हमें चलना है। सेलर ने ये सोच के पुट बेची है कि 47,000 से नीचे बैंक निफ्टी नहीं जाएगा, और हम तो इंट्राडे में कर रहे हैं, ये तो एक्सपायरी तक की सोच के बात चल रही है, क्योंकि ये बदलते रहते हैं ओपन इंटरेस्ट दिन भर, जो इसके अंदर ट्रेडिंग होती रहती है बदलते रहते हैं। हम एक खाली इंट्राडे के लिए सोच के चल रहे हैं कि हम सेलर के साथ रहेंगे, कि पहले आधे घंटे में हम देखेंगे कि सेलर की मानसिकता क्या है। पुट बेचने वाले की मानसिकता ये थी कि 47,000 से नीचे जो है ये नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इससे भी 100 पॉइंट नीचे जाके, यानी हम इस मानसिकता के साथ साथ चलेंगे और इससे भी 100 पॉइंट नीचे जा करके 46,900 की पुट बेचेंगे। हम जो पुट को बेचेंगे शॉर्ट स्ट्रेंगल में 46,900 की पुट बेचेंगे, इससे भी 100 पॉइंट नीचे जाके, भले ही हमें थोड़ा प्रीमियम कम मिल जाए, हम इस सेलर की मानसिकता के साथ रहेंगे। ऐसे ही कॉल में ओपन इंटरेस्ट 47,500 की कॉल में ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो इसके अंदर भी वही बात है, एक जना इसको खरीदता है, एक जना इसको बेचता है। बायर की मानसिकता क्या है कि ये 47,262 तक तो आ गया, 47,500 से ऊपर जाएगा, बायर ये सोच रहा है 47,500 से ऊपर जाएगा, मैंने कॉल खरीद रखी है तो मुझे इसके अंदर बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन सेलर जो ये सोच रहा है कि 47,500 से ऊपर नहीं जाना, ये 47,500 से ऊपर इसकी एक्सपायरी नहीं होनी। तो जैसे एक मैंने पेन थ्योरी भी लिखी है, मेरी ऑप्शन ट्रेडिंग की जो किताब है, साइकोलॉजी ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आपको बताया, ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसों का पेड़ कैसे लगाएं, उसमें बताया एक पेन थ्योरी होती है कि बायर को ज़्यादा से ज़्यादा पेन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट वर्थ लेस एक्सपायर हो जाए, जिसने कॉल खरीदी है उसकी कॉल वर्थ लेस एक्सपायर हो जाए, एक्सपायरी इस प्रकार से होती है। तो एक्सपायरी इस प्रकार से होने के मामले में सेलर की जो थिंकिंग है हमें उसके साथ रहना है। सेलर की थिंकिंग ये कहती है
कि 47,500 से ऊपर नहीं जाएगा, तो हम इससे भी 100 पॉइंट ऊपर, देखो पुट के मामले में तो 100 पॉइंट नीचे, पुट के मामले में 100 पॉइंट नीचे और कॉल के मामले में 100 पॉइंट ऊपर 47,600 की कॉल हमें राइट करनी है। तो ये ओपन ट्रेडिंग, ओपन इंटरेस्ट के आधार पर, ओपन इंटरेस्ट के आधार पर ऑप्शन ट्रेडिंग में शॉर्ट स्ट्रेंगल बनाने का तरीका है कि आप पुट जो बेचोगे वो तो 46,900 की बेचोगे और कॉल जो बेचोगे वो 47,600 की बेचोगे। किस लिए बेचोगे? इंट्राडे में बेचोगे, और इंट्राडे में इसमें आपको प्रीमियम कितना मिल रहा था, कैसे कैसे मिला, वो आप अभी देख लीजिए। अब आपको इन पे कितना प्रीमियम मिलता है ये देखना हो तो ये आप बैंक निफ्टी सिंबल पे क्लिक कर दीजिए। सिंबल पे आप क्लिक करेंगे तो ये 13 दिसंबर की एक्सपायरी हमारी चूज की हुई है, उसके पास में ये ऑप्शन चैन लिखा है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स के पास में ऑप्शन चैन, ऑप्शन चैन पे आप आ जाइए और ऑप्शन चैन पे आने के बाद आप देखेंगे इसको नीचे की तरफ कर लीजिए कि ये जो हमारी 47,000 की पुट जो है, 47,000 की पुट पे आपको 113 रुपए के करीब प्रीमियम इसके अंदर मिल जाता। 47,000 की पुट का यदि आप बेचते तो इस पे 113 का प्रीमियम मिल जाता और 47,600 की जो कॉल है उस पे प्रीमियम आपको इस साइड में मिलेगा, ये 214 रुपए 45 पैसे का प्रीमियम आपको मिल जाता। मिनिमम इसमें 15 का लोट बैंक निफ्टी में है, तो आपको जैसा कि मेरी किताब में आपने पढ़ा है एक एक लोट से ज्यादा का लालच आपको इसमें नहीं करना है। तो अब बैंक निफ्टी के लिए क्या है, 15 का लोट है, आप देख सकते हैं 15 के लोट के आधार पर आपको इस पुट के अंदर 113 के प्राइस से 1,695 रुपए का 1695 रुपीज का आपको प्रीमियम मिला और इस कॉल के अंदर 214.45 के हिसाब से आपको 15 के लोट पे 3,216 रुपए 75 पैसे प्रीमियम मिला, कुल आपको 4,911 रुपए 75 पैसे का प्रीमियम मिला। और एक एक लोट से ज्यादा आपको शॉर्ट नहीं करना है, ये भी मैंने मेरी किताब साइकोलॉजी ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको समझाया कि यदि आप एक एक लोट से ज्यादा शॉर्ट करेंगे तो आपके हारने के चांस बढ़ जाते हैं। वो साइकोलॉजी ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। देखो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में जब लाखों रुपए का लेन देन करते हैं लेकिन यहाँ 180 रुपए की किताब खरीदते हुए पढ़ते हुए आपको यदि जोर आ रहा है तो वीडियो को यहीं बंद करो, ये आपके लिए नहीं है, आप जाके वैसे ही ट्रेड करते रहना जैसे पहले करते रहे थे। तो आपको इसमें क्या है, ये 4,911 रुपए 75 पैसे का प्रीमियम मिल जाएगा। एक एक लोट से ज्यादा आपको ट्रेड नहीं करना है, किताब में बताई गई बातों का आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था 1 लाख के अंदर 1,000 का स्टॉप लॉस रखना है बैंक निफ्टी के मामले में, निफ्टी के मामले में 2,000 का स्टॉप लॉस रखना है क्योंकि निफ्टी में लोट साइज ज्यादा है और ये प्रति लोट बात हो रही है, प्रति लोट 1 लाख में आपको बैंक निफ्टी में चूंकि लोट साइज छोटी इसलिए 1,000 का स्टॉप लॉस रखना है कि इनमें से किसी में भी आपको 1,000 से अधिक का घाटा होना लगे, नुकसान होने लगे तो वो लैग बंद कर देनी है और प्रॉफिट वाली लैग को आपको आगे चलाना है। और आखिरी आधा घंटा जो रहता है इंट्राडे में मार्केट बंद होने का, यदि आपको 1,000 से अधिक का घाटा किसी लैग में नहीं होता है तो दोनों लैग चलानी है और आप में इसमें आपको टाइम डीके का फायदा मिलेगा। बैंक निफ्टी वैसे भी ये वीकली एक्सपायरी है तो टाइम डीके होगा और जब मार्केट पूरा दिन ट्रेड हो जाएगी आप मार्केट के पहले आधे घंटे में ये शॉर्ट स्ट्रेंगल बनाएंगे ओपन इंटरेस्ट के आधार पर, पूरा दिन ट्रेड हो जाएगी, आखिरी आधे घंटे में आपको यदि आपका स्टॉप लॉस किसी लेग में ट्रिगर नहीं होता है तो आपको दोनों लेग के अंदर मिला के आपको इसको बेच देनी है। तो ये जो टाइम डीके का आपको इसके अंदर फायदा मिलेगा और टाइम डीके के फायदे से आपको इसके अंदर इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट होगा। 90% मामलों में प्रॉफिट होता है, 10% कभी कभी मामलों में ये लॉस होता है। तो मिनिमम लॉस या तो आपका होगा स्टॉप लॉस यदि ट्रिगर नहीं होगा, तो मिनिमम लॉस इसलिए होगा कि यदि पुट के अंदर आपको नुकसान होगा तो कॉल में फायदा हो जाएगा, कॉल में नुकसान होगा तो पुट में फायदा हो जाएगा, लॉस जो होगा वो आपको एक मिनिमम लॉस होगा, 90% फायदों में इसमें प्रॉफिट में रहती है। आप थोड़े दिन इसमें पेपर ट्रेड करके देखना, मैंने मेरी किताब साइकोलॉजी ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको ये भी समझाया था कि इसमें आपको थोड़े दिन इसको पेपर ट्रेड करके देखना होता है। पेपर ट्रेड करने बाद आप जब इसके अंदर महारत हासिल कर लेते हैं, आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंड सेट आपका सही सेट हो जाता है, उसके बाद आप इसमें रियल ट्रेड लीजिए और एक एक लोट से ज़्यादा नहीं लीजिए। 1,000 के स्टॉप लॉस का प्रति लेग के अंदर आप इसके अंदर ध्यान रखिए। तो ये तो था बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल, अब निफ्टी के एग्जाम्पल में समझते हैं। तो निफ्टी के मामले में हमने देखा कि एक तो 14 दिसंबर 2023 की जो एक्सपायरी है उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा था और 14 दिसंबर 2023 की एक्सपायरी में हमने देखा कि 21,000 की कॉल में, 21,000 की स्ट्राइक प्राइस कॉल में ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है और पुट के अंदर 20,900 की पुट में ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। तो अभी निफ्टी का स्पॉट प्राइस क्या था वो देख लेते हैं। जिस समय हमने ये कॉल और पुट नोट किए उस समय निफ्टी 20,969 रुपए 40 पैसे पे चल रहा था, 20,969.40 पे निफ्टी उस समय चल रहा था। तो आपने देखा अभी निफ्टी का स्पॉट प्राइस 20,969.40 है, 20,969.40। मेरे साउथ इंडियन फॉलोअर्स कहते हैं कि अंकों को इंग्लिश में बोला करो, तो ये लिखे भी हैं, वैसे आप लिखे भी पढ़ सकते हैं इंग्लिश में और मैं बोल के भी कभी कभी साउथ इंडियन फॉलोअर्स के लिए बता देता हूं। तो
20,969.40 इसका जो है निफ्टी का स्पॉट प्राइस अभी चल रहा है। तो इसके अंदर आपने देखा कि 21,000 की कॉल में ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है। तो वही बात आती है फिर यहाँ पर, दो प्रकार के लोग हैं ओपन इंटरेस्ट में, बायर भी है और सेलर भी है। तो यहाँ पे बायर क्या कर रहे हैं, 21,000 की कॉल को खरीद रहे हैं, सेलर 21,000 की कॉल को राइट कर रहे हैं। तो बायर की मानसिकता क्या है कि 21,000 से ऊपर ये निफ्टी जाएगा तो मुझे बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सेलर की मानसिकता ये कि 21,000 से ऊपर नहीं जाना। सेलर की मानसिकता ये है कि निफ्टी 21,000 से ऊपर नहीं जाना, यानी एक्सपायरी इसकी 14 दिसंबर को 21,000 से ऊपर नहीं होनी। हम तो इसको इंट्राडे में प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि हमें इंट्राडे में टाइम डी का फायदा मिल जाता है, अगले दिन फिर से हम नया बना देते हैं। कभी 10% मामलों में इसमें लॉस हो भी गया आपको मिनिमम, तो अगले दिन फिर से नया बनाएंगे तो वो अगला दिन बड़ा 90% में आ जाएगा। देखो ओवरऑल महीने में आपको जो है 5-7-10 दिनों में लॉस होता है, लेकिन ज़्यादा दिनों में महीने के अंदर आपको प्रॉफिट होता है। महीने के आपको अंदर 12-13 दिनों के अंदर प्रॉफिट होगा, 5-7 दिनों में लॉस होगा, मिनिमम लॉस होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो ओवरऑल आपको इसमें प्रॉफिट में रहना पड़ता है। ये तो एक बिजनेस है, बिजनेस में लॉस और प्रॉफिट दोनों चलते हैं, ओवरऑल आपको प्रॉफिट देखा जाता है इसके अंदर। तभी मैंने किताब लिखी है साइकोलॉजी ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग, कि आपकी साइकोलॉजी जो आपका माइंडसेट इसके अंदर सही होना चाहिए। तो यहाँ सेलर की मानसिकता ये है कि ये एक्सपायरी 21,000 से ऊपर नहीं जाएगी, और बायर की मानसिकता 21,000 से ऊपर जाएगी, इसलिए वो खरीद रहा है। और हमें पता है कि बायर और सेलर में से सेलर ज़्यादा स्मार्ट है। सेलर जो बड़े निवेशक है जिनके पास ज़्यादा पैसा है, तो ऑप्शन मार्केट के अंदर सेलर को ज़्यादा स्मार्ट समझा जाता है। तो हम इस सेलर के साथ रहेंगे, हम इसमें भी 100 पॉइंट बढ़ा देंगे। हम कॉल बेचेंगे तो 21,100 की बेचेंगे, इंट्राडे के लिए हम कॉल बेचेंगे तो फिर यहाँ पर इसमें भी 100 पॉइंट बढ़ा के 21,100 की बेचेंगे, हम और सेफ हो जाते हैं थोड़ा, हमें कोई नहीं, थोड़ा प्रीमियम कम मिल जाएगा। और ऐसे ही पुट के अंदर, पुट में भी दो लोग हैं, एक बायर है और एक सेलर है। पुट जो है 20,900 की पुट में ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है। तो इसके अंदर ये मान रहे हैं, बायर ये मान रहा है कि 20,970.40 ये बहुत ज़्यादा आ गया ऊपर, अब 20,900 से नीचे ये मार्केट जो है जाएगा तो मुझे इसके अंदर लाभ मिलेगा। बायर की मानसिकता ये है, और सेलर की मानसिकता ये है कि 20,900 से नीचे मार्केट नहीं जाएगा, इस एक्सपायरी तक 20,900 से नीचे मार्केट नहीं जाएगा, सेलर की मानसिकता ये है। तो हम सेलर के साथ रहते हैं, हम मान लें कि चलो सेलर की मानसिकता गलत भी हो जाए तो हम इसमें 100 पॉइंट कम करके, देखो कॉल में 100 पॉइंट बढ़ाए जाते हैं और पुट में 100 पॉइंट कम करते हैं, 20,800 की हम पुट को इसके अंदर सेल कर देंगे, 20,800 की पुट को इसमें सेल कर देंगे। और अब इस पर प्रीमियम कितना कितना मिलेगा, इस पर 50 का लॉट है, वो प्रीमियम देख लीजिए। यदि आप निफ्टी में देखना चाहते हैं कितना प्रीमियम मिल जाता, तो ये जो निफ्टी लिखा हुआ है 14 दिसंबर 23 की एक्सपायरी वाला, इस निफ्टी पे क्लिक कीजिए। निफ्टी पे क्लिक करने के बाद यहाँ जो ऑप्शन चैन लिखा हुआ है ऑल कॉन्टेस्ट के पास में, इस ऑप्शन चैन पे क्लिक कीजिए। ऑप्शन चैन पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन चैन खुल जाएगी। और आपने देखा था कि एक तो हमने 21,100 की कॉल को बेचा था, तो 21,100 की कॉल पे आपको 72.15 रुपए का प्रीमियम लगभग इसमें मिल जाता। और दूसरा हमने 20,800 की पुट को बेचा था, तो 20,800 की पुट पे आपको 29.65 रुपए के लगभग प्रीमियम मिल जाता। तो आपने देखा जब हमने पहले आधे घंटे में इसको हम जब राइट करेंगे, तो ये तो एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। एग्जांपल के रूप में आपने देखा कि इसमें 50 का लॉट है निफ्टी के अंदर, और इसके अंदर आपको 21,000 की कॉल में प्रीमियम मिल रहा है आपको 72.15 रुपए का, तो आपको 3,607.50 रुपए प्रीमियम मिलेगा। पुट के अंदर 50 के लॉट के हिसाब से आपको 29.60 रुपए प्रीमियम, 29.65 रुपए प्रीमियम मिल रहा है, तो 1,482.50 रुपए प्रीमियम मिलेगा। कुल आपको 5,090 रुपए प्रीमियम मिला। और इंट्राडे में हम इसमें टाइम डीके का फायदा उठाएंगे, वीकली एक्सपायरी है, टाइम डीके से बहुत जल्दी होता है, आपने मार्केट खुलने पहले आधे घंटे में आप इसको यदि राइट कर देंगे तो इस प्रकार के शॉर्ट स्ट्रैंगल के अंदर ओपन इंटरेस्ट के आधार पर जो आपने शॉर्ट स्ट्रैंगल बनाया है उसके अंदर आपको 90% मामलों में प्रॉफिट के चांस रहेंगे, 10% आपको मिनिमम लॉस भी हो सकता है। फिर इसमें वही बात आती है, स्टॉप लॉस आपको प्रति लैग 2,000 का स्टॉप लॉस लगा के चलना है। बैंक निफ्टी के मामले में 1,000 का स्टॉप लॉस है एक लैग एक लॉट के ऊपर, एक एक लॉट से ऊपर तो आपको करना ही नहीं है, एक एक लॉट इसमें मेरी किताब साइकोलॉजी में मैंने आपको समझा रखा है कि आपको एक एक लॉट से ऊपर इसके अंदर नहीं करना है, और प्रति लॉट आपको 2,000 का स्टॉप लॉस एक लैग में मान के चलना है। जिस लैग में पहले स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया 2,000 का, उसके बाद आप दूसरी लैग जो प्रॉफिट वाली उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और किसी में स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है, होने के चांसेस बहुत कम है वैसे, क्योंकि ये तो जैसे पूरी शून्य ही हो जाए तब आपके 1,482 रुपए ही इसके अंदर प्रीमियम है, पूरा ही चला जाएगा, पूरा जाते ही आप मान लेना ये ट्रिगर हो गया। तो इस तरह से आपको ये बड़ा स्टॉप लॉस है, इसके ट्रिगर होने के चांसेस बहुत कम इंट्राडे के अंदर। और नहीं होता है तो आपको आखिरी आधे घंटे में आपको दोनों पोजिशंस को काट देना है, और ओवरऑल आपको टाइम डीके के आधार पर इसके अंदर प्रॉफिट होता है। आप थोड़े दिन इसको पेपर ट्रेड कर करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, मैं आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। और ये ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देखा जाके शॉर्ट स्ट्रैंगल बना दिया, ऑप्शन ट्रेडिंग हर किसी के लिए नहीं है जिसकी नेटवर्थ ज़्यादा है। जैसे मैंने मेरी किताब के अंदर आपको बताया कि जिसकी 16 लाख से अधिक की हैसियत है,
16 लाख से अधिक जिसने मार्केट में इन्वेस्ट करने की क्षमता है जिसके अंदर, वही इसके अंदर इस प्रकार के शॉर्ट स्टेंगल वगैरह बनाए। 16 लाख से कम वाला व्यक्ति नहीं बनाए। अब क्यों नहीं बनाए, इसके लिए तो आपको फिर साइकोलॉजी ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग पढ़नी पड़ेगी। किताब का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप कमेंट करके अवश्य बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और सेबी के नियमों से ये जाते जाते डिस्क्लोजर भी पढ़ लेना कि डिस्क्लोजर क्या है, कि आपको ऐसे अंधाधुंध ट्रेडिंग नहीं करनी है, आपको नुकसान भी हो सकता है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको सिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।